नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं तेजस भारत। आज हमारी टीम दौरे पे जब निकली थी उस दौरान हमें एक हाथी और दो ऊंट दिखाई मिला। आज अभी हम लोग तरवारा के साइड स्थित हैं और आइए हाथी मालिक से मिलते हैं और जानते हैं कि हाथी जब पगलाया जाता है तो किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाता है और एक दिन में क्या खर्चा बैठता है और कितना इनसे कमा लेते हैं। आइए, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? यासुद्दीन। कहाँ से आ रहे हैं? तरवारा से। कहाँ जाना है? महाराजगंज। कहाँ मतलब क्या करने उधर जा रहे हैं? उधर जा रहे हैं पूजा में। पूजा में जी साटा हुआ है? हाँ। कितना का हुआ है? यही दोनों मिलाकर तीनों का 8000 में हुआ है। तीनों का 8000 रुपया में है। पूजा है। क्या खाती है हाथी? है हाथी गन्ना खाती है। हाँ। और धान गेहूँ खाती है। हाँ। और पीपल का डाढ़ा वाढ़ा दिया जाता है। सब मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। तो ये जहाँ जाएगा साटा वहाँ खाने का भी व्यवस्था इसका किया? हाँ हाँ होता है। हाँ, वहाँ होता है। मालिक देते हैं? सब मालिक घर जाते हैं तो मालिक देते हैं। अच्छा। और इधर जब लेकर चलते हैं तो अपने कीन कर खिलाते हैं। अच्छा, तो क्या मतलब कितना खर्चा एक दिन में बैठ जाता है हाथी पर? हाथी पर 2000 रुपये एक दिन का खर्चा। दो दिन 2000 का। अच्छा, अकेले ही आप इसका देख रेख करते हैं कि आदमी भी रखे हैं? नहीं, आदमी है। आदमी है। कितने लोग रखे हैं अभी? तो यहाँ तीन आदमी हैं। अच्छा, खरीदे हैं कहाँ कहाँ से इसको खरीदे हैं आप लोग? ये मालिक रखे हैं। खरीदा हुआ हाथी नहीं है, घर का हाथी है। शौक से पाले हैं। शौक से पाले हैं। ये खरीद बिक्री नहीं होता है। अच्छा, जब ये पागल हो जाए, सुनते हैं कि हाथी सनक जाती है। हाँ। तो हाथी सनक जाती है, उसके लिए क्या मतलब करते हैं आप लोग? कैसे इसको मतलब कंट्रोल करते हैं? वो जब गर्मी में आता है ना। हाँ। क्यों सनक जाता है ये वैसे हाथी? क्यों वैसे, क्या कारण बनता है? कारण देखिए, कारण कोई नहीं है। जब हाथी जवान होता है तो गर्मी में आता है तो थोड़ा फिसल जाता है इधर उधर। हाँ। बाकी कोई बात नहीं है। तो मतलब फिर इसको कैसे कंट्रोल, अगर मान लो सनक जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा? अभी सनक जाएगा तो कैसे किया, क्या होगा? इधर बांध देंगे, जब ठीक होगा तो ले जाएंगे। तो हम तो सुने कि हाथी जब सनकता है तो ऊँट से कान इसका करना पड़ता है, ऐसा कोई बात है का? नहीं, हाथी ऊँट को कान नहीं चबाता है। हाँ। जैसे एक दोस्ती का नाते ऊँट से ये मानता है। हाँ। ये बात है। लेकिन हम लोग कई बार बचपन से ही देखे आ रहे हैं, सुने आ रहे हैं कि हाथी अगर सनक जाए तो उसको समझाने के लिए ऊँट उसका कान चबाता है। कहावत भी बचपन में हम लोग सुने हैं, सही है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं है? नहीं, ये दोस्ती होता है हाथी और ऊँट का। हाँ। तो वही दोस्ती के नाते ये सब मन अस्थिर रहता है। अच्छा। हाँ। और एक शोभा का चीज है हाथी घोड़ा ऊँट जो ना बोला जाता है, वही शोभा का चीज है। ऊँट थोड़े मनाएगा हाथी को, ये झूठ बात है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी दो ऊँट रखे हैं तो ये ऊँट थोड़े मना देगा। हाँ। ये दोस्ती है, अस्थिर रहता है, देखता है तो। हाँ, हाँ। अच्छा, अब कहीं जाते होंगे गांव मोहल्ला में तो काफी भीड़ लगता होगा देखने में से, तो फिर भड़कती उड़कती नहीं है देखने से? नहीं, है, नहीं, ट्रेंड है? नहीं, ये नहीं भड़कती है। तो सिखा दिए हैं? हाँ, सिखा दिए हैं। जैसा बोलेंगे वैसा करता है? हाँ, वैसा करेगा। तो इंसान से भी ज्यादा मतलब आजकल जानवरों पर लोगों का विश्वास बन गया है? हाँ, विश्वास बन गया है। देखिए, ये जैसे लोगों पर विश्वास नहीं है, इनको हमारे पर विश्वास है, हमको इन पर विश्वास है। जैसे एक बेटा अपने बाप से डर सकता है और किसी से नहीं, वैसे ये है, मेरा से ये डरेगा और इससे हम डरेंगे। और डर के भी हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं। हाँ। हाँ। और हम जहाँ भी खड़ा करेंगे वहाँ खड़ा हो जाएगा। मेला हो या बाजार हो या कहीं खेत खरिहान हो, मेरे कारण ये किसी को नहीं बोलेगा। अगर मैं रहूँ तो, अगर नहीं रहूँगा तो फिर नहीं बता सकता मैं। अच्छा। ये हाथी का दांत ये कैसे मतलब कभी कभी देखते हैं बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको क्या कैसे इसको मेंटेन करते हैं आप लोग? ये बढ़ जाता है तो काटते हैं। हाँ। और रख देते हैं और सफाई वफाई करने के लिए। अच्छा। तो ये दांत कटाते नहीं है, इसको दांत नहीं कटा है। आई कभी दांत कटेगा नहीं, ये शौक से रखे हैं, जितना बढ़ जाए बढ़ जाए। दांत भी तो इसको बहुत महंगा बिकता है सुने हैं। बिकता है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा ठीक है, हाथी इतना बरियार शक्तिशाली है, ये जो चैन दिख रहा है इधर, ये चैन दिख रहा है, इसको कंट्रोल कर लेगा
नहीं, ये चाहेगा तो तोड़ देगा, लेकिन ये नहीं तोड़ेगा, जानता है कि हमको इसी तरह रहना है। बंद गया है उसको एकदम सर्कस का, जैसे वो शेरों को भी सर्कस में ला दिया जाता है तो एकदम वो भी नचाया जाता है, उसी प्रकार से ये भी पालतू हो गया है। एक मतलब आपके परिवार के सदस्य के जैसा हो गया है, क्या माने इसको कि आपके परिवार का सदस्य हो गया? हाँ, एकदम सदस्य के जैसा हो गया है। नहीं, जैसा आप बोलते हैं वैसा ये करता है? नहीं, अभी एक सलामी दिलवा दीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए। उतना भी ट्रेनिंग नहीं है, अभी सीखते सीखते सीख जाएगा सब। अच्छा, ऐसे कुछ नहीं बोलेगा ये, मगर सलामी अभी देने का ट्रेनिंग नहीं है, सब सीख जाएगा धीरे धीरे। अकेले इसका आप देख रेख कर लेते हैं कि आप इसमें भी कई लोग लगते हैं? नहीं, हम तो अकेले देख ही लेते हैं, खिलाने के लिए आदमी है और हम हैं और मिलकर खिलाते हैं। नाम हम रखे हैं इसका कुछ, मतलब परिवार जैसा है तो। हाँ, इसका नाम धनराज है। धनराज है, धनराज है तो धन इकट्ठा करता है कि नहीं, मतलब कितना? नहीं देखिए, जब कमाएंगे नहीं तो धन कहाँ से होगा, ये थोड़े धन दे देगा। अब खाना आपके पास में रख दिया जाए और बोले जाए कि भगवान खिला दे तो खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे आपको, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा खाने के लिए, संघर्ष करना पड़ेगा तो फिर भेटाएगा खाने के लिए। तो साटा वोटा होता है तो पैसा वैसा तो आता है ना, तो वो तो धन ना एकत्रित कर रहे हैं। इसमें खर्चा नहीं है, सालों भर इकट्ठा, देखिए सालों भर अगर लगन चले तो आदमी तो राजा हो जाएगा। हाँ, कोई कोई शौक से हाथी को बुलाते हैं। बोलिए। रुकिए जी, रुकिए, हट जाओ ना, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, चलिए, चल ठीक है, बोलिए क्या बोल रहे थे? सालों भर इसको लगन नहीं है। हाँ। कोई कोई ऐसे बुलाया बारात में, साटा में, तो ये हाथी गया शौक से पूजा पाठ करने के लिए, तो मिल गया तो मिल गया, तो वही है हम लोग का। अच्छा, एक लगन में कितना कमा लेता है? एक लगन में 8,000-10,000। ऊँट काहे के लिए रखे हैं पीछे पीछे? ऊँट रखे हैं जैसे दोस्ती के लिए, सनक जाएगी तो मनाने के लिए? नहीं, हाथी नहीं मनाएगा। मैंने ऊँट हाथी को नहीं मनाएगा, दोस्ती के लिए रखे हैं। अगर हाथी का मैंने अच्छा दोस्ती है। हाँ, अच्छा दोस्ती है एकदम, दोनों झगड़ा वगड़ा नहीं ना कर लेता है? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं, ऐसा नहीं तो कभी अपने मारा पीटी चालू कर लेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं देखा। नहीं नहीं, ऐसा बात कभी देखने को मिला है कि नहीं? देखने को तो बहुत मिला है, क्योंकि हम बचपन से ये काम करते हैं। बचपन से? कितने सालों से करते हैं? अभी ना बहुत छोटा थे, मतलब 6-7 साल के थे, तभी से हाथी को काम करते हैं जी। तब से हाथी से प्रेम है, तब से प्रेम है हाथी से, तब तो यही हाथी थी कि कोई और हाथी भी था? दूसरा था, तो ये हाथी को हो गया मेरे पास 8 साल। 8 साल से काम कर रहे हैं? ये तो आपके रग रग को पहचान गया होगा? हाँ, पूरा पहचान गया, मतलब भाई वाला रिश्ता हो गया होगा। हाँ, वही बात है, देखिए ना। अगर हम रहेंगे तो किसी को नहीं बोलेगा, नहीं रहिएगा तो? नहीं रहेंगे तो अगर कोई जाएगा तो मार देगा, मार देगा। हाँ, बहुत जरूरी है जी, आप तो कंट्रोल है इसका, एकदम कंट्रोलर है, मतलब रिमोट कंट्रोलर। हाँ, देखिए अगर हमको देखेगा तो कुछ नहीं करेगा, नहीं देखा तो? नहीं देखा तो चुरा उरा जाएगा, पागल हो जाएगा। यही रहिए थोड़ा, हम लोग का सामने ही तो अभी तो कुछ नहीं करेगा। नहीं नहीं, हम हैं तो कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। नहीं, घंटी किस लिए लगे हैं इसमें? घंटी जो दिख रहा है, घंटी जो है न, ये अगर चलेगा तो बजेगा और लोग समझ जाएगा कि हाथी आ रहा है, एक मतलब आकर्षण भी से आता होगा। नहीं, हाँ। इस पे क्या क्या रखे हैं? इस पे जो इस पे रखे हैं ये देखिए, झोरा है, ये गद्दी कसा है बैठने के लिए, और कम्बल है ठंडी में ओढ़ने के लिए, हाथी को ओढ़ने के लिए। हाथी को ओढ़ने के लिए? नहीं, हम लोग ओढ़ते हैं और हाथी को भी ओढ़ाते हैं। चट्टी है, लपेट कर ऊपर रखे है। अच्छा, ये बताइए, ये जो दिख रहा है हम लोग भाला, ये किस लिए रखे है? ये देखिए सेफ्टी में है, ये खोबने के लिए नहीं है। हाँ, ये सेफ्टी में है कि जैसे हथियार एक रहना चाहिए।